इतिहासकारा ने क्या कहते, जिस दिन तो सिखी उत्पन्न हुई, समय समय दिया सरकारा माड़िया हुकूमत ने सिखी को ढा लाने वास्ते व्यर्थ चाला चलिया, पर सिखी सी जड़ी सामने आई आते मनु साड़ी दादरी असी मनु दे सो मनु जो जो सानू वरदा असी दूर सवाए होए क्योंकि खालसा जी असी ओ निहाले तीर हजरत दे ना उके ते जालम दी हक नु पार के लगदाइए सुके सच्ची गल है जी में आ साडे ते टुके सानू मान वाले मुख के पर असी ना होए सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दी जिस में शहादत हुंदी है ना उस तो बाद मेरी सिख पाम के अंदर एक बार फिर तो नवा मोड़ आया। हुण कलगीधर प्रीतम जी ने जो शीरियां तकरीरां तेज कीतियां बादशाह कहिंदे घोड़े ते चढ़न वाला राग पढ़न वाला सिर दस्तार सजाउण वाला सिख मेरियां खुशियां प्राप्त करेगा, पर समय का बादशाह कौन है? आ ध्यान नाल सुनियो, अज जदों असीं वेखदे आं ना अपने बजुर्गां नूं अज दी नौजवानी ते इतिहास तों बहुत दूर हो चुकी है, पर अज मेरे बुजुर्गों के चिट्टे दाड़े हो गए, सत सठ पैंठ पैंठ साल दियां उमरां हो गईआं, अज सानू प्यारे खालसा जी लड़ी वार साहिबजादियां दे नाम भी कंठ नहीं, इत्थों तक के अजे तीकर इन्नी उमर हो गई जे सानू एक ओंकार भी नहीं जे कहना आया, पर खालसा जी याद रखियो आंदे जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं जिहड़ियां कौमां अपने सिद्धांत नूं गुरबाणी नूं अपने ग्रंथ तो बिछड़ जांदियां भुला देंदियां ने ओह कौमां नूं गुलाम बनाउणा बहुत सौखा हो जांदा हुकूमत दे लई, ते पर साडा इतिहास की गवाही भरदा साडे वडेरियां आखिया सिर जांदा ते जावे साडा सिखी सिदक ना जावे हुण पर बादशाह जिहड़ा अबजफर महीउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआसरे आलमगीरी इहने अपने राज च हुकम कीता सी आंदा कोई राग सकता कोई सिर दस्तार नहीं सजा सकता, ते संत कलगीधर जी कोल आए आके आखण लगे कलगियां वाले पाशाह आदे हुक्म दियो घोड़े पट लिए घोड़ियां दे विच बैठ के कीर्तन कर लिया करांगे। हुण कलगीधर प्रीतम जी कहिंदे ना कहू किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है, सतगुरु कहिंदे शस्त्रन के अधीन है आंदे जदों सरकारां साडे सिरां उपर चढ़ के नचण दी तैयारी करदियां ना इहनां नूं कुंडेल लाउण वास्ते फिर आ पीरां नूं हथ पाउणा पैंदा अस कृपान हंदो खड़क तुमक तबर अतीर साफ सुरही साथी जहे हमारे पीर। मेरे कलगियां वाले पातशाह वर्गा बली कोई नहीं, मेरे कलगीधर प्रीतम जी वर्गा दानी भी कोई नहीं, खालसा जी अज असीं वेखदे आं मान करदे आं अपने तगड़े शरीरां दा, मेरे नौजवान वीर बैठे आ अज बड़े शौक दे नाल जिम ज्वाइन करदे आ ते कहणगे असीं इन्ना भार चुक लिया असीं इन्ना हो चुकांगे, पर मेरे कलगीधर प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं दे हथ दे विच जिहड़ा कमान हुंदा सी ना जिहड़ा कमान मेरे कलगीधर पातशाह महाराज तीर चलाउण वास्ते मैदान दे जंग अंदर वरतदे सी अज ते प्यारे खालसा जी सानू 9 इंच दीआं इह जिहड़ियां पहिलीआं श्री शापां इह भारियां लगण लग गईआं, पर जिहड़ा मेरे कलगीधर महाराज जीआं दे कोल कमान हुंदा सी ना इतिहास अंदर जिक्र आया उस कमान दा भार सी जी 9 टंक। हुण एक टंक दे अंदर किन्ना भार हुंदा जी 25 किलो, असीं एक हथ दे विच चाहे 5 किलो जां 10 किलो दी कोई भारी चीज नूं फड़ के एक जगह ते पाउस करके रखणा होवे ना असीं एक जां 2 सैकंड तों वध के उहनूं प्यारिओ होल्ड नहीं कर सकदे, पर धन मेरा कलगीआं वाला पातशाह एक टंक दे अंदर 25 किलो भार हुंदा ते सतगुरु दे हथ दे विच प्यारे खालसा जी 9 टंक दी कमान हुंदी सी इहदा कुल भार हो गया जी 225 किलो। ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੀਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੀਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਬਾਦਤ ਕਰ, ਆਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
नेजेबाजी ते शस्त्र विद्या का अभ्यास कर दे। एक दिन महाराज पातशाह जी वेख के मुस्कुरा पे कोल दवान जी दवान नंद चंद जी खलोते सी आख्या स्टेपाल आप दिया दे चेहरे ते बकरी जी मुस्कुराहट किवें आई। पातशाह कहन लगे दवान जी ए मैं हुण तां मुस्कुरा रही हां कि जिहड़ियां मेरियां फौजां ए रण धंधे दे अंदर दुश्मनां दे नाल मुकाबला करन वास्ते त्यार पर त्यार हो चुकियां। बस हुण एक चीज की कमी है। ओ केड़ी चीज दी? ओ महाराज ने आख्या नकारा कहिंदे इक दिन शहर शकत ते बैठे ने संगत दे विच इक कारीगर सिख ने बड़ा शानदार नगारा मर के कलजी धर दे चरणां दे भेट कीता। बादशाह वेख के बड़े परेशान होए आख्या सिख लगाओ इस नगारे ते चोटा। आंदे जदों नगारे ते चोटा लगियां कलगी तर पातशाह महाराज ने उठ के इस नगारे दा नाम की रखिया जी रणजीत नगारा। हुण खालसा जी मेरे कलगी तर प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीवन काल दे अंदर एक नहीं दो नहीं 14 जंग लड़ते हैं ते 14 जंगा दे विच ही फतेह प्राप्त करते हैं। पर महाराज नूं जंग करन दा शौक कोई नहीं सी। इत्थे सवाल खड़ा होवेगा फिर महाराज ने जंग कीते क्यों? सियाणे कहिंदे आ जदों लड़ाई गल पै जावे फिर कहिंदे उहदा जवाब देना पैंदा। मेरे सतगुरु करीबन बाद पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस समय खालसा छड़िया फिर अपने पुत्रां दे नाल वध के प्रेम अपने खालसे नूं कीता। सारा कुछ ही खालसे नूं बख्श दिंदा। खालसा मेरे रूप ने खास खालसे में है करो निवास खालसा मेरे पिंड प्राण खालसा मेरी जान की जान। कहिंदे समा इहो जिहा आया जिस आनंदां दी पुरी श्री आनंदपुर साहिब दी धरती नूं मेरे कलगियां वाले महबूब ने चावां नाल लड्डां नाल त्यार कीता सी जिहदियां आना शाना तंद ते पंतन कायम रखण वास्ते पंज किले बनाए सन। आंदे अज समा इहो जिहा आया शेखो दी रात नूं अकाल पुरख दा भाणा मन के मेरे कलगियां वाले ने पवित्र नगरी नूं फतेह बुला दित्ती। उस समय गलियां दे कख वी वैरी पत्ता पत्ता वैरी परास राते गौंदा कहिंदे रतन रोलदियां दा गुमखार तुरिया जा रिहा नहीं नहीं इत्थे आनंदपुरी दा शिंगार तुरिया जा रिहा। आनंदपुरी दा जर्रा जर्रा कुल्ला उठिया ओ सेबा ਕਿਤਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਾਨੂੰ ਮੁਖੜਾ ਛਪਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੰਖੜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਮਕਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 4 ਜੰਗ ਲੜੇ ਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 ਜੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਬਸੀ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵਾਂ ਜੰਗ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਭੇਜਿਆ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਵਸੇ
मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा कनेरा केंदे इथे जोड़ा एक पासे जोड़ा एक पासे ते जोड़ा एक पासे तिन्ना है श्याम विच परिवार बंडिया गया एक पासे कलगियां वाला महबूब आ वड्डे फरसादे ते 40 सुवि चमकाउ दी कच्ची गली दे अंदर गए दूजे पासे माता सुंदर कौर जी माता श्याम कौर जी ते भाई मनी सिंह